इंटरनेशनल डे की सेलिब्रेशन हुई स्टार्ट। जिस दिन का इंतजार सारे मुल्कों के फैंस कर रहे थे, आखिर वो दिन आ ही गया। नवंबर को शाहरुख खान के बर्थडे पर फैंस को अब शाहरुख की ओर से बैक टू बैक तोहफे मिलने वाले हैं। फेस्टिव सीजन के बाद अब पूरा नवंबर चलने वाला है शाहरुख खान का सीजन, और इसकी शुरुआत कल यानी 1 नवंबर की आधी रात से शुरू हो चुकी है। शाहरुख खान ने अपना दीदार फैंस को करवा दिया है, और फैंस के प्यार को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर फैंस के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन, पठान का टीजर, DDLJ की स्क्रीनिंग समेत डंकी की शूटिंग का अपडेट दे दिया है। देखिए पूरा नवंबर कैसे शाहरुख खान ने अपने नाम कर लिया है। 1 नवंबर की रात फैंस का शुक्रिया अदा किया। शाहरुख खान के बर्थडे को लेकर फैंस सुपर एक्साइटेड हैं। ऐसे में फैंस का हुजूम शाहरुख के घर के मन्नत के बाहर पहले से ही इकट्ठा हो गई थी। अब ऐसे में शाहरुख फैंस की एक्साइटमेंट को देखते हुए खुद को घर के भीतर रोक नहीं पाए, और 1 नवंबर की आधी रात को ही शाहरुख खान मन्नत की बालकनी पर आए और अपने फैंस का दिल खोलकर शुक्रिया अदा किया, तो ये मौका और भी ज्यादा खास हो गया। शाहरुख खान ने इस वक्त जब आधी रात में बालकनी से लोगों को अपनी झलक दिखाई तो उनके लुक को लेकर भी लोग मेस्मराइज्ड हो गए, क्योंकि शाहरुख 57 साल की उम्र के हो जाने के बावजूद भी कम उम्र के लग रहे थे। ऐसा लगा कि उनकी एज बढ़ने के बजाय कम हो रही है। और तो और शाहरुख की बॉडी, उनका हेयर स्टाइल, उनका जलवा और उनका कैरिश्मेटिक चार्म पहले की तरह ही बरकरार है, जिसे देखकर फैंस उन पर अपना दिल हार बैठे हैं। 2 नवंबर को पूरे देश और दुनिया संग मन्नत में मनेगा हैप्पी बर्थडे। शाहरुख इस बार अपने बर्थडे को बहुत ही ग्रैंड तरीके से तो नहीं मनाएंगे। इस बार शाहरुख खान अपने बर्थडे को सादगी से सेलिब्रेट करने वाले हैं। लेकिन एक चीज इस बार भी हमेशा की तरह रहेगी कि अपने बर्थडे पर शाहरुख अपने फैंस से मिलेंगे, उन्हें ग्रीट भी करेंगे। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, शाहरुख ताज होटल में फैंस और मीडिया से मुलाकात करेंगे और उनके साथ मिलकर अपना केक भी काटेंगे। शाहरुख अपने सभी फैंस का शुक्रिया भी अदा करेंगे जो मुश्किल समय में हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। 2 नवंबर को फैंस को मिला पठान टीजर का तोहफा। फिल्म पठान के टीजर को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। यही वजह है जो सोशल मीडिया पर फिल्म पठान ट्रेंड कर रही है, और अब ऐसे में सारे इंतजार की घड़ियों को खत्म करके शाहरुख खान की फिल्म पठान का टीजर आउट कर दिया गया है। शाहरुख खान वाकई में बादशाह हैं। आज अपने बर्थडे पर शाहरुख खान ने फैंस को पठान का टीजर का खास गिफ्ट दे दिया है, जिसके बाद तो फैंस की तो निकल पड़ी है। एक्शन, रोमांस और एंटरटेनमेंट से भरपूर है शाहरुख खान की पठान का टीजर। 1 मिनट 25 सेकंड के पठान के टीजर में शाहरुख खान फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शाहरुख का खंखार रूप देखकर फैंस दंग हो गए हैं। पठान के टीजर से इतना साफ है कि इस फिल्म में शाहरुख फैंस को बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं, क्योंकि आपने शाहरुख के स्क्रीन पर कई अलग अवतार जरूर देखे होंगे, लेकिन ऐसा खंखार रूप कभी नहीं देखा होगा। 2 नवंबर को फैंस को राज सिमर का होगा दीदार। शाहरुख खान के बर्थडे के खास मौके पर फिल्म DDLJ को बड़े पर्दे पर दोबारा से रिलीज किया गया है। देश भर के थिएटर्स में 2 नवंबर 2022 को राज और सिमरन के प्यार की कहानी को फिर एक बार देशवासी एंजॉय कर रहे हैं। जी हां, फिल्म को बुधवार से PVR, इनॉक्स और सिनेपोइल्स पर दिखाया जा रहा है। ऐसे में फैंस के बीच इस फिल्म को देखने के लिए फिर एक बार रोमांच सा आ गया है। 2 नवंबर से 10 नवंबर तक पूरे हफ्ते चलेगा पठान के टीजर का जश्न। फिल्म पठान के टीजर का बॉम्ब फोड़ दिया गया है। 11 बजे के करीब ट्विटर पर यशराज फिल्म्स ने पठान का टीजर लॉन्च किया है। अब इस टीजर को देखने के बाद फैंस सुपर एक्साइटेड हो गए हैं। इतना ही नहीं, अब पठान के क्रेज को देखते हुए टीजर का जश्न 2 नवंबर से पूरा हफ्ता बज क्रिएट करने वाला है। नवंबर के दूसरे हफ्ते से शाहरुख फिर लगेंगे काम में। बर्थडे सेलिब्रेशन और पठान के टीजर के सक्सेस का स्वाद लेने के बाद शाहरुख 15 नवंबर से काम पर लगने वाले हैं। जी हाँ, शाहरुख अब राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी की शूटिंग के लिए सऊदी अरेबिया जाने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस फिल्म की शूटिंग 15 नवंबर से स्टार्ट होगी और नवंबर के एंड तक रैप अप होगा। आपको बता दें कि डंकी बॉलीवुड की पहली फिल्म होने जा रही है जो मिडिल ईस्टर्न कंट्री में शूट होगी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।